देखिए, आप अपनी जबान से नहीं बोलना चाह रहे, इकोनॉमिस्ट मैगजीन का जो आर्टिकल है वो बिल्कुल सच्चाई पर मबनी है। इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने ये लिखा है कि जो भी डेथ कोविड से हुई है उसको 6 times मल्टीप्लाई कर लीजिए, और उसके जवाब में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का रिबटल ये आ रहा है कि वो जो इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने जो मॉडल लिखा है जिसमें करीब 20 लाख के करीब लोगों की मौत सेकेंड वेव में हुई है, तो हेल्थ मिनिस्ट्री कहती है कि वो स्पेकुलेटिव है, मिस इन्फॉर्म्ड है। मैं हेल्थ मिनिस्ट्री से, हेल्थ मिनिस्टर से पूछना चाह रहा हूँ कि अगर वो स्पेकुलेटिव, मिस इन्फॉर्म्ड है, तो फिर कोवैक्सीन का आपने क्यों उसको शुरू किया? क्या वो कुछ पीयर रिव्यूड साइंटिफिक डेटा था उसका? अभी भी डेटा जमा कर रहे हैं ना। दूसरा, आयुष मिनिस्ट्री ने क्यों कोरोनिल को सर्टिफिकेशन दिया? क्या उसका भी कुछ इफेक्टिव डेटा था आपके पास? तीसरी बात यह है कि डेली डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा कोई भी स्टेट नहीं दे रहा है। स्टेट्स ICMR के गाइडलाइंस को कोई फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। और चौथा, पांचवा पॉइंट जो हेल्थ मिनिस्ट्री कहती है कि उन्होंने बिहार सरकार को लिख कर दिया, बिहार सरकार को, बिहार की हाई कोर्ट ने उनको क्वेश्चन किया, उनको खींचा, तो रातों रात बिहार सरकार ने फिगर्स को सही करके 3,000 मौत का इजाफा कर दिया। जितने एपिडेमोलॉजिकल मॉडल्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो सब कह रहे हैं कि डेथ्स जो हैं वो 5 से 6 गुना ज़्यादा है, और ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। ये सिर्फ मोदी सरकार ये कह रही है कि इतने मौतें नहीं हुए कोविड से। हम मोदी सरकार हकीकत को छुपा, सच्चाई को छुपा रही है। मोदी सरकार का रियलिटी से कोई टच ही नहीं है। वो आम भारत के लोगों की मौत, उनकी तकलीफ से उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है, कनेक्शन ही ख़त्म हो चुका है, वो बिल्कुल अलूफ है, इसीलिए वो इस तरह की गलत बातें कर रहे हैं। हम सरकार का रिबटल भी कर रहे हैं, रिबटल कर रहे हैं। हर कोई ये कह रहा है कि इंश्योरेंस क्लेम्स, डेथ सर्टिफिकेट्स जो इशू हुए सेकेंड वेव में, और डेथ सर्टिफिकेट्स जो पहले वेव से पहले इशू होते थे, ये पूरे एपिडेमोलॉजिकल एक्सपर्ट्स हैं। इकोनॉमिस्ट मैगजीन में सी ओटर के यशवंत देशमुख ने भी इस बात को कहा, जब यशवंत देशमुख कहेगा बीजेपी स्टेट जीत रही तो थालियां मारेंगे, और जब यशवंत देशमुख कहेगा, उसे एक स्टैटिस्टिशियन है, वो भी इस बात को मान रहे हैं, तो आप उनको अब नहीं मानते। तो प्रॉब्लम ये है कि बीजेपी ये चाहती है कि सिर्फ उनकी तारीफ करो, उनकी ताईद करो, और सुप्रीम लीडर जिंदाबाद के नारे लगाओ। जब सच्चाई सामने आती है कि इतने लोगों की मौत हुई है, इतने हजार बच्चे ऑर्फन हो चुके हैं, मानने को तैयार ही नहीं है। इसलिए नहीं मानते क्योंकि वो बैडली एक्सपोज हो चुके हैं। सेकेंड वेव की तैयारी बीजेपी मोदी सरकार ने कुछ नहीं की। वैक्सीनेशन का ऑर्डर देर से दिया, वैक्सीनेशन का सप्लाई गलत हुआ रहा है, और यही वजह है कि इतनी सब लोगों की मौत हुई है। तो इसलिए बीजेपी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस सच्चाई के फिगर्स को नहीं मानती है। देखिए, अगर आप उनका जवाब पढ़ेंगे, हेल्थ मिनिस्ट्री का, इकोनॉमिस्ट मैगजीन के रिबटल में हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा कि वो स्पेकुलेटिव है, मिस इन्फॉर्म्ड है, और साइंटिफिक डेटा को फॉलो नहीं किया, तो मैं उनके जवाब में कह रहा हूँ कि कोवैक्सीन को भी आपने थर्ड ट्रायल का कंसेंट लिया ना जनता से, तो क्या आपके पास डेटा था? फिर मैंने कहा है कि कोरोनिल ये बाबा की है, आयुष मिनिस्ट्री सर्टिफाई करा, क्या उसका डेटा था आपके? ने इन सबके बावजूद आप देखिए बीजेपी और एनडीए पूरे देश भर में स्ट्रांग हो रही है। अच्छा, तेलंगाना में एक
मैं लास्ट जो सुना था कि अकाली दल बीजेपी को छोड़ दी, सब पार्टियां इनको छोड़ रहे हैं, और खुद बिहार में उनकी जो एक सहयोगी पार्टी थी उनके खिलाफ लड़ा, लोगों के लाशों के मीनार लग रहे हैं, गंगा में लाशें बह रही हैं, ज़मीन से लाशें निकल रही हैं, और आप कह रहे हैं कि मजबूत हो रहे हैं, गरीब भारत का मर रहा है, और एनडीए अगर मजबूत हो रही है गरीब के मरने पर, तो फिर इस मजबूती का क्या फ़ायदा मेरे भाई? जब गरीब को दवा नहीं मिलती है, गरीब बेरोजगार हो चुका है, खाने को खाना नहीं है, करोड़ों लोग बेरोजगार हो चुके हैं, और इनकी तबाही और बर्बादी पर अगर एनडीए मजबूत हो रही है, तो फिर इसको मजबूती कहेंगे आप? हाँ, वैक्सीन फ्री में देंगे, कब देंगे? हम खाक हो जाएंगे तुमको खबर होने तक, हम खाक हो जाएंगे मोदी जी को खबर होने तक। कितने वैक्सीन आप देंगे जुलाई में? जुलाई में फ्रंट लाइन वर्कर्स को, स्टाफ को, और ओवर 45 जो एज के लोग हैं उनको 30 करोड़ वैक्सीन होना। आपने सुप्रीम कोर्ट को जो 9 मई को एफिडेविट दिया, उसमें कह रहे हैं कि जुलाई में मोदी सरकार 13 करोड़ 20 लाख वैक्सीन देगी। अब ये एडिशनल 17 करोड़, क्या मोदी जी मैजिशियन है? ठीक है, आप लोगों की नज़र में वो बहुत बड़े गॉड भी हो सकते हैं, मगर वैक्सीन बनाने के लिए तो 3 महीने लगेंगे ना, आम फाट करने से तो नहीं आ जाएगा ना। ये वैक्सीन ऐसा है, आप भक्तों के लिए कह रहा हूँ कि टोपी से खरगोश निकालना आसान है, टोपी से फूल बनाना आसान है, मगर टोपी से ये नहीं निकलता वैक्सीन। वैक्सीन के लिए साइंटिस्ट को फैक्ट्री में बैठ के बनाना पड़ता है, उसके लिए पैसे देना पड़ता है, वो उन्होंने किया ही नहीं। तो जुलाई में ही 17 करोड़ वैक्सीन कम पड़ने वाले हैं, कहाँ से लाएंगे? क्या दिसंबर तक 213 करोड़ वैक्सीन आ जाएंगे? किसको बेवकूफ बना रहे हैं? देखिए, ये नागार्जुन सागर का एक बाई इलेक्शन हुआ था ना, जमानत भी नहीं बचा पाए बीजेपी के लोग। हैदराबाद रंगारेड्डी महबूब नगर का एमएलसी का इलेक्शन हुआ, हार गई बीजेपी। नलगुंडा महबूब वरंगल खम्मम का एमएलसी इलेक्शन हुआ ग्रेजुएट्स का, बीजेपी का 4th नंबर पे चले गई। अब आप लोगों की नज़र में ये सब अच्छा दिख रहा है, तो भाई मुझे नहीं मालूम, या तो आपकी दिमाग का नंबर ज़रा कम हो चुका है, आँख का नंबर कम हो सकता है या बढ़ सकता है, मगर ये दिमाग का नंबर अगर आप लोगों का कम हो रहा है, तो फिर इसका इलाज मेरे पास नहीं है। जीएचएमसी में उसके बाद क्या हुआ? अच्छा, जीएचएमसी में आप बताइए कि सेकेंड वेव में कहीं नजर आए बीजेपी आपको? इतने लोग जो बीमार पड़ रहे थे, पीड़ित परिवार के पास कोई नहीं गए? हाँ, कहाँ गए? मौत में गए ये जिंदगी में गए? हो गया, चलिए।